पहले तीन लोगों को यहां रेस्क्यू किया जा चुका था पहले ही, अपने आप निकले, कुछ पब्लिक की मदद से निकले और उनको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल शालीमार बाग, ये सॉरी है अशोक विहार, और एक ईएसआई हॉस्पिटल में है। तो मैंने एक मेरे वो सब सब अफसर को भेजा है, वो एग्जैक्ट उनकी पोजीशन बताया गया कि उनकी हालत क्या है। फायर की कितनी गाड़ियां पहुंची? फायर की तीन गाड़ियां हैं, चौथा मेरी चार गाड़ियां हैं और एनडीआरएफ है, दिल्ली पुलिस है। रेस्क्यू हो गया कम्प्लीट अभी होना है रेस्क्यू? नहीं, रेस्क्यू एक्चुअल में अभी क्लेम कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये क्लियर भी नहीं है कि इसमें एक दो कैजुअल्टी कोई शायद हो सकता है साइड से हो। टेरेस के ऊपर एक टावर है और टावर टिल्ट हो रखा है हल्का तिरछा, जैसे ही इसके बड़े लंबे बीम हैं तो उनको जेसीबी यदि उसको हिलाएगी तो उसको गिरने का खतरा है, तो पहले उसको सिक्योर करने के बाद फिर ऑपरेशन चलू होगा। क्या किसी का स्पेस था ये बिल्डिंग? ये पुराना महफिल के नाम से बैंकेट हॉल हुआ करता था, लेकिन पिछले 5-7-10 सालों से ये बंद पड़ा है। बता रहे हैं एमसीडी द्वारा सील किया गया? हाँ, सील की भी है, फायर डिपार्टमेंट से भी कोई एनओसी नहीं थी इसकी और ये ऑपरेशनल में भी नहीं था। आज ही क्या हुआ, बस नहाते नहाते एकदम से बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी, बहुत तेज तेज, वो इतनी तेज़ आवाज़ आई कि मुझे लगा कि भूचाल आ रहा, सारे सब कुछ गिर जाएगा। तो मैंने अपने बेटे को लिया, बिल्कुल इस साइड खड़ा था जहाँ दीवार गिरी है, उसको लेके मैं भागा, उसके यहाँ बैलकनी खरोच आ गई और छोटी बेटी को मेरी वाइफ लेके भागी। तो जैसी वाइफ लेके भागी, उन तीनों को मैंने अंदर किया, मैं बाहर रह गया, मेरे को मौका नहीं मिला। इतने में गिर चुकी थी, पूरी मिट्टी उड़ चुकी थी, मेरी आंखों में मुंह में चली गई, मुझे कुछ नहीं दिखा। 30 सेकंड क्या हुआ? कोई घायल है आपके परिवार में? नहीं, मेरे बेटे को हल्की सी खरोच आई है। मेन जो घायल हुए लोग वो पीछे की साइड हुए हैं, बाकी हमारे घर के बाहर एक डॉगी बैठा होता है वो नहीं मिल रहा अभी, उस एक मिल गया एक नहीं मिल रहा, और सामने वाली गली में डॉगी होते हैं वो नहीं मिल रहा कोई भी। इसमें मुख्य रूप से था क्या है? मैं अपनी बालकनी में खड़ा था जब ये हादसा हुआ, मेरे सामने हुआ है, मैं बिल्कुल बालकनी में खड़ा था जब मैं देख रहा था ये चीज। क्लियर वजह हो पाई? बिल्डिंग पुरानी थी ऐसा बताया है? नहीं, बिल्डिंग पुरानी नहीं, बिल्डिंग में अंदर से काम चल रहा था जी। तो सील वगैरह करी हुई थी शायद? हाँ, एमसीडी ने आज से 10-12 साल पहले सील किया होता इसको, ये पहले महफिल बैंक का टाल था। इसकी कोई खास वजह सील करने की क्या वजह? इन्होंने टैक्स वैक्स नहीं दे रखा था, ना लाइसेंस था फूड का इसके पास, ना कुछ था, और इस पे टावर लगा हुआ था। जब बिल्डिंग तोड़ रहे थे इन्होंने टावर भी नहीं हटाया किराए के लालच में, और वो टावर ऊपर उसका हावी वजन था, नीचे से तोड़ाई चल रही थी, तो जब बारिश का पानी गिरा तो लेंटर ने पानी पिया, उसका वजन हुआ 30 फुट की लंबी दीवार थी बिना सपोर्ट के, जिसके कारण ये गिर गई।